नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं ऐशानी। पंचायत चुनाव में खपाने के लिए भारी संख्या में शराब बरामद हुई है। जनपद की बीकापुर कोतवाली पुलिस व आबकारी विभाग ने छापेमारी के दौरान 7 पेटी शराब बरामद किया है। शराब की बरामदगी प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार के घर से हुई है। कोतवाली बीकापुर पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले कि बीकापुर कोतवाली के चौरे बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र के भरखू खाता गांव से प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी के घर से पुलिस टीम व आबकारी विभाग ने 7 पेटी देशी शराब बरामद किए जाने की जानकारी मिली है। पुलिस टीम द्वारा शराब को कब्जे में ले लेने के दौरान आरोपियों और उनके समर्थकों द्वारा नोकझोंक और हाथापाई किए जाने की भी चर्चा सामने आई है। सूचना मिलने के बाद जब मौके पर पुलिस फोर्स के साथ बीकापुर क्षेत्राधिकारी और कोतवाल मौके पर पहुंचे तो इसके पहले ही मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपी फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार प्रधान पद उम्मीदवार हैं। चक्की गोदाम पर बने कमरे के भीतर से पुलिस टीम व आबकारी विभाग ने 7 पेटी देशी शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार पंचायत चुनाव में मतदाताओं को वितरित करने के लिए शराब का भंडारण किया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम द्वारा 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आबकारी विभाग की टीम ने भी कोतवाली में पहुंचकर बरामद शराब की जांच पड़ताल की गई है। बरामद की गई शराब एक अंग्रेजी शराब के ठेके की बताई जा रही है। आज दिनांक 10 अप्रैल को कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के चौरी चौकी में एक गांव भरहू खाता पड़ता है, जहां पर प्रधान प्रत्याशी इकबाल जहां के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके द्वारा अवैध शराब का भंडारण किया गया है, जिसको आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदाताओं में बांटा जाएगा। इस सूचना पर कोतवाली बीकापुर की पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में मौके पर माल सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 7 पेटी वो शराब जिसका अनुचित तरीके से भंडारण किया गया था उसको बरामद किया गया। 2 लोग मौके से, एक लड़का जिसका नाम अशफाक है, ये प्रधान का पुत्र है, और दूसरा उसका भतीजा जिसका नाम मोहम्मद ताज है, इनको गिरफ्तार किया गया। 10 लोगों को इसमें नामजद किया गया है और 2 अज्ञात के विरुद्ध FIR पंजीकृत किया गया है। आबकारी अधिनियम, आचार संहिता का उल्लंघन इत्यादि धाराओं में मुकदमा कायम कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।